नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़िम आब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के साथ साथ हाथरस में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने आज अपनी निर्धारित घोषणा के अनुसार चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो वो बहुत जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि यह मामला जनपद हाथरस का है। यहां पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखा। इसी क्रम में हाथरस जिले के सभी सरकारी एम्बुलेंस और उनके कर्मचारी पूर्व घोषणा के अनुसार अपनी अपनी एम्बुलेंसों को लेकर मंडी समिति में पहुंचे और उनको वहीं खड़ा करके चक्का जाम कर दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि सरकार उस निजी कंपनी जिसके अधीन वह काम कर रही है उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा करना सरकार का दायित्व है। पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर एम्बुलेंस ने कर्मियों प्रदेश नेतृत्व में उनके अनुसार आज चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, सभी एम्बुलेंस कर्मियों का बीमा किया जाए, साथ ही कोरोना काल में जो एम्बुलेंस कर्मियों ने दम तोड़ा है उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी आज चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रही हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों के इस चक्का जाम से हाथरस जनपद में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी, मैं नागेंद्र यादव, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारे यहाँ पे जो एडवांस लाइफ सपोर्ट LS एम्बुलेंस काम कर रही थी, जिले में हमारे हाथरस में 3 एम्बुलेंस हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 250 एम्बुलेंस हैं, जिसपे 1200 कर्मचारी कार्यरत थे। सरकार ने GBK का टेंडर खत्म करके चिकित्सा हेल्थ केयर को टेंडर दे दिया है। वो नई भर्ती करके नई कर्मचारी रख रही है और जो 10 साल से काम कर रहे थे कर्मचारी उनको हटाया जा रहा है। कितने दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन 23, 24, 25 तीन दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहा था। अगर उसके बाद कोई शासन प्रशासन कोई अधिकारी आया नहीं बात करने के लिए, उसके बाद कल रात 12 बजे से 26 तारीख की सुबह से सारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, केस करने के लिए बंद कर दिया है। और किसी भी जनहानि ना हो इसलिए जिले में 4 गाड़ी चिन्हित कर दी गई हैं चारों लोकेशनों पे। वो गाड़ियां जो है कोई भी एक्सीडेंट केस कोई इमरजेंसी केस है तो वो गाड़ियां केस उठा रही हैं, मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा रही हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि ये ठेका प्रथा बंद करी जाए और जो पुराने कर्मचारी जो हटाए गए कंपनी से 1200 कर्मचारी उनको वापस रख लिया जाए। और अब तो सीधा सीधा है कि इनको ठेका प्रथा खत्म करके NHM के द्वारा गाड़ियां चलाई जाएं। जिस तरीके से गाड़ी हैंडओवर करी जा रही है उसी तरीके से कर्मचारी भी हैंडओवर करी जाए। कितनी गाड़ियां एम्बुलेंस यहां पे खड़ी है? अभी यहां पे हमारी 41 गाड़ी है, 41 गाड़ी में से और 37 गाड़ी यहां पे है, बाकी 4 गाड़ी जो है हमारी वो जिले में मरीजों को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा रही है। कब तक प्रदर्शन चलेगा? जब तक सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती लिखित में कोई, जब तक पूरा संतोषजनक नहीं मिलेगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा।